फाइनली आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसी को कल रिलीज़ कर दिया गया था, जो कि मैंने बताया शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आईटीबीपी ने सूचित किया है कि कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का, और यहाँ पे हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में, कि हालाँकि जो 100 नंबर का पेपर होता है उसका कटअप कितना प्रीवियस ईयर में गया था और कितना इस बार एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पहले देखने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आप सभी का कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का लिस्ट, प्रीवियस ईयर का फाइनल कटअप है। फाइनल कटअप आईटीबीपी की तरफ से लगाया गया था और ये लिस्ट जारी किया गया था, इन सब कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर आपको देखने को मिल रहा है, रोल नंबर यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे रोल नंबर दिया है, नीचे की तरफ आपको कैटेगरी वाइज कटअप बताया गया कि कितना कटअप गया था। मेल और फीमेल का अलग अलग कटअप यहाँ पर बताया है, कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे टोटल 85 कटअप गया था आउट ऑफ 100, 100 में से 85 नंबर कटअप गया था। और यहाँ पे जो डेटा पार्ट देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही कि इतना से ज़्यादा कैंडिडेट लगभग 85 नंबर से ऊपर लाए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी कटअप बताया था। डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 85 कटअप यूआर कैटेगरी का गया और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 83 गया टोटल, ओबीसी का 84 और एससी का 81 और एसटी का 79। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो 82 का एवरेज है। तो यहाँ पे 80 का ऊपर ही सभी में कटअप गया, सिर्फ एसटी में 79 कटअप गया कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए मेल कैंडिडेट का। अब बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में देख सकते हैं यूअर कैटेगरी में टोटल 83 कटअप गया यूअर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 80, ओबीसी में 81, एससी में 72 और एसटी में 70 गया। तो ये था 100 में से इतना फाइनल कटअप आपको देखने को मिला है, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का कटअप है। और यहाँ पे कुछ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनका कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से इन कैंडिडेटों को होल्ड किया गया है। तो अब नेक्स्ट देखता हूँ हेड कॉन्स्टेबल का कितना कटअप गया। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर वाइज हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2022 यहाँ पे लिस्ट है रोल नंबर वाइज, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल में था उसी तरह इसमें भी। तो यहाँ पे जो कटअप आप देख सकते हैं, कटअप यहाँ पे मेल कैंडिडेट का कटअप गया है यूअर कैटेगरी में 75 कटअप गया, ईडब्ल्यूएस में 73, ओबीसी में 72, एससी में 64, एसटी में 59 यहाँ पे कटअप देखने को मिला है। और फीमेल कैंडिडेट में यूआर कैटेगरी में 63, ईडब्ल्यूएस में 54, ओबीसी में 56, एससी में 51 और एसटी में 51 कटअप देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये था कटअप, ये कटअप लगभग इतना भी है काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो पेपर आता है आप सभी का, वो पेपर जो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो 11th और 12th लेवल का होता है, क्योंकि पीसीएम के बेस्ड पे जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चंस करना पड़ता है, जो कि मैथ का 20 क्वेश्चन रहता है और फिजिक्स का 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है, टोटल 50 नंबर होता है इसका। और बाकी जो बचा 50 नंबर वो रहेगा आपका हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और मैथ रीजनिंग, ये सब रहता है, सब मिक्स करके 50 नंबर। तो यहाँ पे इस 100 में से टोटल इतना आपको लाया था, उसके हिसाब से यहाँ पे कटअप बनाया गया था। तो आई होप कि आपको कटअप पता चल गया। और एसआई का, मैं जो एसआई का वैकेंसी निकला है उसका कटअप, यानी प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो एसआई का आया था, एसआई का पहले ऑफलाइन होता था बहुत पुराना पहले का, तो उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं एसआई का प्रीवियस ईयर कटअप नहीं बता पाया। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करूँगा अगर मिलता है कोई डेटा तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कब से कब तक अप्लाई हो, तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस क्या है आप सभी का,
कैसे तैयारी करना है और कौन सा मतलब इसमें फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।